अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं? पढ़ाई करना तो चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। मैं जानता हूं कि पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आचार्य चाणक्य ने कहा था, अगर तुम्हें धन और ज्ञान में से एक चीज चुननी पड़े तो हमेशा ज्ञान को चुनो, क्योंकि ज्ञान से तुम धन को भी प्राप्त कर सकते हो। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। कहते हैं जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसका समाज में ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है और उसके पास फिर कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, हम ये ज्ञान ज्ञान तो सुनते आए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसी स्किल, एक ऐसा हथियार जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे सकता है। जैसे एक पॉलिटिशियन के लिए यह जानना जरूरी है कि उसे राजनीति कैसे करना है, वैसे ही एक विद्यार्थी को यह जानना जरूरी है कि उसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है और उसे पढ़ाई कैसे करनी है। कौन सी ऐसी चीज है जो उसे उसके मंजिल तक पहुंचा सकती है, यानी वो टॉप कैसे कर सकता है? दोस्तों, अगर आप टॉप करना चाहते हो तो आपको छोड़नी होगी आपकी बुरी आदतें, ज्यादा फोन इस्तेमाल करने की आदतें और समय बर्बाद करना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे आपकी मंजिल तक पहुंचने की स्पीड कम हो जाती है, या यूं भी कह सकते हैं कि आपके सक्सेस का चांस घट जाता है। तुम्हें छोड़नी होगी वो सारी चीजें जिसका तुम्हारे मंजिल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आज तुम्हारी सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं रहने वाली। हालात बदलेगा और जरूर बदलेगा, बस जरूरत है तो इसी रास्ते पर काम करने की, सही दिशा में मेहनत करने की, बिना रुके बिना थके बस चलते रहने की, और बस चलते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही।